नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन सब के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में रहेगी। तो फिंगर के लेंथ पर आते हैं, तो फिंगर के लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में एक प्रकार से लॉन्ग है, जो एक गुड डिसीजन मेकर और एक प्रकार से हर बात के जड़ तक जाना, खूब अच्छे से सोचने विचारना, लाइफ में एक एक छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना या फिर बारीक जो है परख हर चीज़ का रखना, वैसे योग यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी ओवरऑल ये गुड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण सोचने समझने की प्रवृत्ति जो है बहुत अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ कमज़ोरी एक यही रहता है कि इतना ज़्यादा सोचने विचारने लगते हैं कि जो एक्शन लेना है उसमें डिले होने लगता है, यानी डिसीजंस लेने में थोड़ा देरी देखने को मिलता है, लेकिन जो भी काम करेंगे वो एक प्रकार से परफेक्टली कर पाने में सक्षम यहाँ आप रहेंगे। सेपरेटली यहाँ बात करें आपके फिंगर के बारे में, तो फिंगर की एक प्रकार से छोर पे आप देखेंगे तो सारी की सारी फिंगर एक दूसरे के प्रति झुक रही है, और ख़ासकर फर्स्ट और सेकंड फिंगर के बीच में गैप है, जो कि एक केयरलेस पर्सन को इंडिकेट करता है। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन केयरलेस पर्सन इन द सेंस कि लाइफ में चाहे जो भी चल रहा हो, जैसा भी कुछ चल रहा हो, ज़्यादा उन सब पे ध्यान ना देते हुए अपने जो मेन लाइफ का फोकस या कंसर्न है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। यानी बेफिजूल की बातों में ना पढ़ना, ना सुनना या ना ही ध्यान देना, ऐसे योग बनते हैं। और जैसे चीज़ों को रख करके एक प्रकार से भूल जाना, डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग याद शक्ति थोड़ी सी कमज़ोर होना, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना होना समय पर, वैसे योग थोड़े से ज़्यादा यहाँ पर बनते हैं। यानी मस्त मोला टाइप ऑफ नेचर यहाँ ज़्यादा ये जो है कर देने वाला रहता है, और यही रीज़न है कि खर्चों पर तो बिल्कुल नियंत्रण नहीं रहता है, खर्चे भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। जहाँ पे कुछ थोड़े बहुत पैसों से काम चल सकता है, वहाँ पे अंधाधुंध पैसे भी खर्च कर सकते हैं बिना सोचे समझे। यहाँ बात करें लिटिल फिंगर की, तो ये लिटिल फिंगर थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा सा शॉर्ट है, जिसके कारण हर काम में थोड़ी देरी ज़रूर बनती है, लेकिन काम आपके तकरीबन सब बनेंगे। कम्युनिकेशन स्किल हुआ या मार्केटिंग स्किल, कुल में रखकर के ये ठीक देखने को मिलेगा। और यहाँ देखें तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ आपकी ज़्यादा अच्छी है, जो कि गुड लीडरशिप क्वालिटी और टीचिंग क्वालिटी को इंडिकेट करता है। तो जैसे किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों के द्वारा अच्छे से काम निकलवा पाना या लोगों को गाइड एडवाइस डायरेक्ट अच्छा कर पाना, वैसे योग यहाँ पर ज़्यादा अच्छे बनते हैं, क्योंकि गुरु यहाँ पर कारक होता है ज्ञान का। एक इसमें कमी ये देखने को मिलती है कि थोड़ा ईगो पे जल्दी बातों को ले लेते हैं, ईगो हुआ या एटीट्यूड हुआ, नॉर्मली सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा होती है कि इतनी या फिर इतनी प्यारी होती है कि उसके अगर एक प्रकार से थोड़ा बहुत भी अगर उस पर आ जाए या सवाल उठ जाए तो वो सहन नहीं हो पाता है। बाकी यहाँ देखेंगे तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो कुल मिलाकर के मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करती है। जब इस प्रकार की रेखा हो और थंब थोड़ा बहुत भी अगर फ्लेक्सिबल हो तो समय और परिस्थिति के अनुसार इजिली ढल जाने वाले रहते हैं। यहाँ पर देखें तो नॉट्स आपके एक प्रकार से फिंगर के डेवलप यहाँ अच्छे हैं, जो कि एक प्रकार से स्पष्टवादी इंसान को व्यक्त करता है। चाहे अच्छा हो या बुरा आप सीधे मुंह पे कहेंगे, पीठ पीछे बात ही नहीं करना है, बेफिजूल की बात ही नहीं करना है। इसके अलावा यहाँ देखें तो फैलेंजेस डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल वीक है आपका, तो आपको अपने शारीरिक गठन बल पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जिसके कारण फिजिकली फिटनेस आपका बढ़ सके और ओवरऑल लॉन्ग लाइफ और ज़्यादा इन्जॉय आपका हो सके। थंब देखेंगे तो थंब यहाँ पर आपका सशक्त यानी बहुत मजबूत देखने को मिल रहा है, तो हठी किस्म का नेचर रहेगा। हठी किस्म यानी जिद्दीपन, अपने बात पर अड़िग रहना या अपनी बात दूसरों से मनवा लेना, ऐसे योग यहाँ पर ज़्यादा बनते हैं। और किसी के सामने झुकना आपको ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर मानसल आपका भरपूर है, तो इस कारण से हर काम के पीछे एक प्रकार से अपना नाम होने की जो चेष्टा है, जिज्ञासा है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर नाम अगर किसी भी काम के पीछे ना हो या किसी काम के पीछे क्रेडिट ना मिले तो मज़ा आता ही नहीं है। यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड फिलेंस के बीच में फर्स्ट फिलेंस के लिए तो अच्छी है, तो विल पावर आपका अच्छा देखने को मिलेगा। और यहाँ देखें आप एक प्रकार से तो पाम का साइज़ आपके स्क्वेरिश फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। इट मीन्स कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना या आपके नेचर में रहने वाला रहेगा। अब पूरे पाम में देखेंगे तो आपका एक गुरु सबसे अच्छा एक्टिव है, ऊपर से चंद्र यहाँ पर सबसे अच्छा आपका एक्टिव है, बाहरी मंगल भी एक्टिव है। चंद्र हो गया काल्पनिकता यानी सोचने समझने की क्षमता या एक प्रकार से क्रिएटिविटी इनोवेशन, ये अच्छा देखने को मिलता है। बाहरी मंगल हो गया सहनशीलता, साहस, पराक्रम, जुनून, हौसला, इन चीज़ों में कोई कमी नहीं रहेगा। यही रीज़न है कि आप कभी भी किसी भी परिस्थिति से डरेंगे नहीं, बल्कि डट करके सामना करेंगे। और गुरु हो गया ज्ञान, सुख सुविधा, मैरिड लाइफ,
इन सब के प्रति भी आपको कोई ज़्यादा टेंशन या प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। तो ये तीनों जो प्लैनेट्स हैं यानी ग्रह हैं, ये सबसे प्रोमिनेंट रिएक्ट कर रहे हैं, और यही रीज़न है कि मून लक लाइन भी आपके हाथ में निकला हुआ है। मून लक लाइन बेसिकली बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ देता है, बाहरी दुनिया बाहरी लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है, शादी के बाद भी ग्रोथ अच्छा मिलता है। ये जान लीजिएगा कि मून लक लाइन का सबसे मेन जो पावर है वो है बाहरी लोग, जो बाहरी लोग आपको जो सपोर्ट करेंगे, प्रेम दुलार या एक प्रकार से आपकी सहायता करेंगे, उनकी सहायता से आप जो है जीवन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। तो जितना हो चाहे वो आपको दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन उससे बना करके रखिए, क्योंकि वो भी आपका एक प्रकार से भाग्य है, किस्मत है वो। तो ये चीज़ को बेसिकली ध्यान रखें। और ये जैसे मून लग लाइन है तो अंततः चाहे कुछ भी हो जाए, सुनना आपको अपने मन की है, करना सिर्फ अपने मन की ही है। अब यहाँ पर सबसे मेन बात आते हैं कि न्यू बिज़नेस आपको स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अभी आपका एज अराउंड 48 को होने को आ जाएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो एक ऑफशूट है यानी लक लाइन, वो निकला है यहाँ पर अराउंड 44 से लेकर 46 के मिड में। तो ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत ज़्यादा बेस्ट रहा है, और इस टाइम पीरियड में आपको किसी न किसी वे में लाभ बहुत अच्छा मिला है, या जो भी आपका ड्रीम डिज़ायर या एम्बिशन रहा है वो पूरे कंप्लीट होने के चांसेस अच्छे रहे हैं। जीवन में ग्रोथ अच्छी मिली जिसके कारण रॉयल्टी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है। उसके जस्ट एक प्रकार से 4 साल के बाद यानी अराउंड आप मान के चलिए कि 49 से 50 के मध्य में एक और यहाँ पर ऑफशूट निकला है। ये ज़्यादा लंबा तो नहीं गया है, लेकिन ये ऑफशूट निकलना भी बताता है कि किसी न किसी वे में न्यू स्टार्टअप रहेगा, और उसके सपोर्ट में एक और मरकरी लाइन स्टार्ट होकर के चल रही है। ये दोनों रेखाओं में से कोई भी रेखा ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन यस इन फ्यूचर अगर ये कम्प्लीटली मनी ट्रायंगल बनता है तो ये जान लीजिएगा कि जो स्टेप आपने विद इन 1.5 ईयर जो अभी आप लेंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, जब ये मनी ट्रायंगल बन गया। और अगर मनी ट्रायंगल नहीं बन गया तो भी डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन इन फ्यूचर कभी भी बन सकता है। अगर ये रेखा धीरे धीरे मिटने लग रही है तो समझिएगा कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है, पंचुअलिटी काम में नहीं हो पा रहा है, तो उसके कारण अफेक्ट हो रहा है। बाकी मेरे हिसाब से ये रेखा भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है, तो आपको लाभ के आसार अच्छे हैं। क्योंकि लाइफ लाइन में एक चीज़ देखेंगे कि जब ये प्रोग्रेस लाइन निकल रही है आपकी, सीधे एक रेखा बाहर की ओर गई है, ऊपर से एक और प्रोग्रेस लाइन निकली, बहुत छोटा सा ये ट्रायंगल बना है जो एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट को इंडिकेट यहाँ करता है, और आगे चल करके ये रेखा सीधे शुक्र की तरफ झुकी है, और फिर मल्टीपल्स लाइन यहाँ निकल रही है, बहुत स्मूथ लाइफ लाइन हो गई है। इसके कारण आपका जो है ट्रैवलिंग, छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के जो बड़ी बड़ी यात्राएं होती हैं, एक तो वो देखने को मिल रहा है, ऊपर से फैमिली की तरफ फोकस या फैमिली के सुखों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उम्र आपका बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर व्यतीत होते हुए और ओल्ड एज बहुत अच्छा देखने को यहाँ मिल रहा है। तो इस कारण से जो ये डिसीज़न रहेगा ये आपके लिए कंपेरेटिवली अच्छा रहने वाला। और देखिए किसी भी बिज़नेस में आप जाएंगे वो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जाइए, क्योंकि यहाँ पर देखिए चंद्र होता है आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम, होटल मैनेजमेंट का काम, गुरु हो गया अध्यात्म का काम, स्टडीज़ से रिलेटेड कोई भी ऐसा काम हो गया, और ये जो मंगल है ये एक प्रकार से साहस है। तो ऐसा देखा जाए तो इन तीनों से रिलेटेड भी कोई काम करें तो ऐसा लाभ मिलेगा। लेकिन जैसा आपका लक लाइन मून का है यहाँ पे, और ये देखिए आगे चल करके मून लक लाइन ही कंटिन्यू चल के सैटर्न तक पहुँचा है आपके, तो इस कारण से जो आपका मन का काम में आपको एक प्रकार से मन लगता है उस काम को आपको करना ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिशियल रहेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सोचिए कि किस काम में इंटरेस्ट आ रहा है, हॉबी लग रहा है आपका, या उस काम को करते हुए आप थक नहीं रहे, तो समझ जाइएगा कि उसी में बिजनेस करिए, आपको इंटरेस्ट या लाभ अच्छा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर गुरु के क्षेत्र से स्टार्ट करते हैं। एक तिल यहाँ पर देखने को मिला था आपके, एक प्रकार से ये लिटिल फिंगर पर, तो लिटिल फिंगर पर तिल होने से ये एक प्रकार से कम्युनिकेशन में बाधा दे देता है। बहुत मरतबा बातें करते करते रुक जाते हैं या बातें मन में ही अटक जाती हैं। गुरु पर तिल होता है तो ये मैरिड लाइफ को लेकर के थोड़ा टेंशन दे देता है, लेकिन ये गुरु है तो गुरु पर तिल होना इतना ज़्यादा नेगेटिव होता नहीं है। और यहाँ देखेंगे तो गुरु माउंट भी डेवलप्ड अच्छा है, तो प्राइड मूवमेंट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मतलब खुद पर गर्व करने के योग ज़्यादा बनते हैं। नॉलेज की कोई बेसिक कमी नहीं रहेगी, नॉलेज ठीक रहने वाला है, और यहाँ की कुछ आड़ी रेखाएं भी डबल ट्रिपल सोर्स ऑफ अर्निंग को और एक प्रकार से दान पुण्य धर्म कर्म का कार्य करने में कभी भी आप पीछे यहाँ पर नहीं रहेंगे। बात करें यहाँ पर आपके सैटर्न माउंट या लाइन की, तो सैटर्न माउंट भी डेवलप्ड है, सैटर्न लाइन भी यहाँ पर पहुँच रही है, और एक से अत्यधिक रेखा मन बहुत ज़्यादा भटकाता है, और इस कारण से एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने का आदिपन भी देखने को मिलता है। इससे कोई खराबी नहीं है क्योंकि ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को बताता है, परंतु जो ध्यान है वो ज़्यादा भटकता है, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, भागदौड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है,
बस ये एक दिक्कत जो है हो सकती है, बाकी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपके ना फेट लाइन में है ना ही एक प्रकार से सैटर्न माउंट पे है। एक और सूर्य के नीचे से एक रेखा निकल के सैटर्न पर भी आ रही है, तो एक प्रकार से ये भी मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को और अच्छे खासे धन और इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा को भी यहाँ व्यक्त करता है, जो समाज में आपको अच्छा मिलने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ देखें सूर्य पर, तो सूर्य पर आप देख पाएंगे कि एक प्रकार से क्रॉस का साइन आपका बन गया है। क्रॉस का साइन बनना सूर्य पर सही नहीं माना जाता है, क्योंकि ये पिता से रिलेशन में भी अनबन मतभेद दूरी बताता है, और जैसे कोई भी काम करते हैं तो उसमें मन नहीं लगता है, मन बहुत जल्दी उबने लगता है या भटकने लगता है, तो वो जो अनसेटिस्फेक्शन या अनस्टेबिलिटी है करियर में प्रोफेशनल लाइफ में देखने को ज़्यादा मिलता है, तो कोई भी काम का प्रोमिनेंट फिर रिजल्ट नहीं मिलता, तो आपको यहाँ पर सूर्य के रेमेडीज़ करने होंगे मेजरली, तब जा करके मेन ग्रोथ या सक्सेस लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ देखें तो सूर्य पर एक से अत्यधिक रेखा भी कुल मिलाकर के ठीक है, क्योंकि ये भी मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को ही बताता है। एक रेखा यहाँ पर आपके बुध और सूर्य के बीच में जा रही है, जो खुद की प्रॉपर्टी होने के योगों को ज़्यादा ब्राइट करता है। मर्करी माउंट ऐसे देखा जाए डेवलप ठीक है, लेकिन कोई सेपरेट यहाँ लाइन नहीं है, तो बोलचाल की कला ठीक रहेगी, लेकिन किससे किससे क्या बात करना है, कैसे मीठापन जो देखने को मिलता है मीठी बोली, उसमें थोड़ी सी कमी यहाँ ये बताता है। नॉलेज में कोई ऐसी कमी नहीं देगा, ये मार्केटिंग स्किल में भी कोई कमी नहीं देगा, बाकी इसमें थोड़ा सा अफेक्शन देखने को मिल सकता है। हृदय रेखा के एंड में गोपूज की आकृति फ्लर्टी रोमांटिक प्लस गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को यहाँ पर इंडिकेट करता है, और हृदय रेखा एक प्रकार से आइलैंड के फॉर्मेशन के साथ भी है, तो ओल्ड एज यानी 56 अराउंड एज में भी हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज देखने को मिल सकता है। आगे चल करके ये देखेंगे आप, तो यहाँ पर मल्टीपल्स लाइन नीचे की ओर भी आ रही है, तो माता पिता के अच्छे सेवक होते हैं और एक प्रकार से सेवा भाव आपके अंदर रहेगा, ये बात तो बहुत अच्छा देखने को मिला, क्योंकि जब भी आप अपने आप को देखेगा कि जब जब आप एक प्रकार से किसी का भी सहयोग करेंगे, या कोई भी ऐसे उत्सव का मामला हुआ, धर्म कर्म का मामला हुआ, त्यौहार का मामला हुआ, तो एक अलग ही रूप आपके अंदर देखने को मिलेगा, एक अलग ही एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा कि इस प्रकार से हेल्प करना, इस प्रकार से सोशल वर्क करना, यानी लोगों की मदद करके जो हैप्पीनेस होती है वो बहुत ज़्यादा आपको फील होगा। और धार्मिक जो समय रहता है उस समय आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाने वाले रहेंगे, ये नॉर्मली अधिकतर जातकों में ये इस प्रकार के फॉर्मेशन देखने को मिले भी हैं। इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो हृदय रेखा आगे चल करके आपको एकदम स्ट्रेट चल रहा है, जो कि प्रैक्टिकल नेचर को बताता है, फुली प्रैक्टिकल नेचर रहेगा, लॉजिकल पर्सनैलिटी रहेगी, सोचने समझने की प्रवृत्ति अच्छी रहेगी, ऐसा नहीं है कि इमोशनल नेचर नहीं रहेगा, इमोशंस वगैरह सब रहेगा, लेकिन इमोशन जो है आपका कंट्रोल्ड रहेगा, जो भी आप लाइफ में डिसीजन लेंगे फाइनली अपने हेड के द्वारा लेंगे, यानी प्रैक्टिकल होकर के लेने वाले यहाँ रहेंगे। यहाँ पर कुछ शाखाएं मंगल की तरफ भी झुक रही हैं, तो एग्रेशन थोड़ा ख़राब देखने को मिलता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एग्रेशन पर भी आपका कंट्रोल अच्छा हो जाने वाला रहेगा, क्योंकि बाहरी मंगल डेवलप्ड अच्छा है। माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है लाइफ लाइन के, जो अगेन एक ओपन माइंडेड पर्सन को बताता है, जिसके कारण से खुले स्वभाव वाला नेचर आपका देखने को मिलेगा, और एक प्रकार से यहाँ ज़िद्दीपन ज़्यादा देखने को मिलता है, बचपन से ही कहीं ना कहीं आपको हर प्रकार की इंडिपेंडेंस मिली है, जिसके कारण वो ज़िद्दीपन आपके अंदर ज़्यादा आया है। यहाँ एक देखेंगे कि यहाँ पर आपके माइंड लाइन में एक प्रकार से चेंजेस हुआ है, और ये जो चेंजेस है पहले ऊपर की ओर रेखा झुकी है, फिर नीचे की ओर झुक करके फिर कंटिन्यूस चली है, तो ये जो टाइम पीरियड आपके लाइफ का रहा है, ये अराउंड यहाँ हम एज निकालेंगे तो ये निकल के आएगा आपको तकरीबन 31 से 33 के मिड में, तो ये जो टाइम पीरियड रहा है इस टाइम पे हेड को लेकर के, यानी सर पे चोट लगना या ऐसी कोई दुर्घटना होना जिससे पूरी मेंटेलिटी ही चेंज हो जाना, जिसके कारण सोचने समझने की प्रवृत्ति और ज़्यादा बढ़ गई है, आपका 31 से लेकर के जो 35 का पीरियड ओवरऑल रहा है ये थोड़ा सा टफ लाइफ का, ये बहुत ज़्यादा चेंजिंग पॉइंट रहा है लाइफ में। ज़रूरी नहीं है कि एक्सीडेंट ही हो आपका, क्योंकि फेट लाइन अच्छा चल रहा है तो वो दुर्घटनाओं से बचा देता है, बट कुछ ना कुछ चेंजेस इस टाइम पर बहुत बेहतरीन हुआ है, जिसके कारण आपकी मानसिकता में चेंजेस होने के कारण आप और ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं, और ज़्यादा स्पष्टवादी हो गए हैं, सोचने समझने की क्षमता आपके अंदर और ज़्यादा बढ़ गई है, और ईगो या घमंड जो होता है वो धीरे धीरे कम होना भी प्रारंभ हो गया है इसके बाद से, तो ये चीज़ें यहाँ पर अच्छा रिएक्ट एक प्रकार से कर रही है, और बेसिकली देखा जाए तो मेंटेलिटी में आपकी ग्रोथ और ज़्यादा इस एज के बाद देखने को मिल रहा है। लाइफ लाइन के ऊपर आते हैं, तो लाइफ लाइन के ऊपर आते से ही देखने को मिलेगा कि मल्टीपल्स यहाँ पर एक प्रकार के आइलैंड के फॉर्मेशंस हैं, और उन आइलैंड के फॉर्मेशन में जब राहु की रेखा का इम्पैक्ट होता है तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है स्ट्रेस के मामले में, तो लाइफ लाइन होती है स्वास्थ्य को जो मेनली इंडिकेट करे, पूरे लाइफ स्टाइल को जो इंडिकेट करे, तो स्वास्थ्य के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं आपको हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ रही ही है, क्योंकि मर्करी लाइन फिलहाल के टाइम में अभी डेवलप्ड हो रहा है, हार्ट लाइन अभी जा करके थोड़ा सा प्रोमिनेंट रिएक्ट करे, लेकिन शुरुआती जीवन में कुछ ना कुछ लगा ही रहा है, और ऊपर से जब राहु की
एक प्रकार से भूमिका आ जाती है तो ये स्ट्रेसेस अचानक से दे देता है। अचानक से कोई बीमारी होना, अचानक से कोई घटना हो जाना, अचानक से मनी लॉसेस हो जाना, कहीं धन अटक जाना, किसी चीज़ का लोड आ जाना, ऐसे करके मल्टीपल्स जो टेंशन है वो देता है। अब वो राहु क्या मेजर प्रॉब्लम देगा वो आपके चार्ट से मेनली पता चल पाता है कि किस प्रकार की देगा, लेकिन हैंड लाइन से इतना दिख जाता है कि हाँ ये जो टाइम पीरियड रहा है लाइफ का बहुत ज़्यादा टफ रहा है। और जैसे लाइफ लाइन में भी हम देखेंगे तो एक तो आइलैंड का फॉर्मेशन ऊपर से राहु की रेखा, तो ये जो एज है ये अराउंड आपका निकल के आएगा 31 से लेकर के 34-35 के बीच में। फिर एक और 2 से 3 बार राहु रेखा ने इम्पैक्ट किया है और ये जो एज निकालेंगे तो ये निकल के आएगा आपका अराउंड 41 के एज में, 41 से तकरीबन 39 से 42 के बीच में भी टेंशन ज़्यादा रहा है। और फिर उसके बाद फिर बाहर की रेखा निकली और यहाँ पर भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, तो 42 अराउंड एज में भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट या घर बनने के योग यहाँ पर बनते हैं। तो आगे चल करके बहुत ज़्यादा सुटेबल हो रही है आपकी लाइफ लाइन, तो तकरीबन ये मान लीजिए कि 80-85% कष्ट निकल गया। और जब आपके जीवन में इतना कष्ट चल रहा था तो सहयोग ऊपर से कोई ऐसे सहयोगी राय यहाँ है नहीं, तो अब ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर कोई सहयोगी ना रहा हो। मून लक लाइन है तो सहयोग तो था जीवन में लेकिन कोई फिजिकली अपीयरेंस नहीं था, मतलब ये है कि ऊपर वाले की कृपा उस टाइम पे बहुत अच्छी देखने को मिलती है, जिसके कारण लड़ने की क्षमता किसी भी तकलीफ से बढ़ा देता है और कहीं ना कहीं से हेल्प मिलते ही रहता है। अंदरूनी मंगल वीक है, बाहरी मंगल डेवलप ठीक है, तो शारीरिक गठन थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, मानसिक रूप से बलवान रहेंगे आप। शुक्र का क्षेत्र भी यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट हो रहा है, तो एक प्रकार से यहाँ पर ज़्यादा शौकीन किस्म का नेचर नहीं देखने को मिलता है, जितनी ज़रूरत है उतना ही खर्च करने वाले आप यहाँ रहेंगे। यहाँ देखेंगे तो यहाँ की थोड़ी आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज फैमिली लाइफ को लेकर के दे देती है, बट कोई मेजर इश्यूज़ यहाँ पर नहीं है अब आने वाले टाइम में। और देखेंगे तो केतु पर डिवाइडेड लाइफ लाइन ट्रैवलिंग अच्छा कराती है, यात्राओं की भी कोई कमी नहीं है। यहाँ पर भी आपके हाफ फिश सिंबल की आकृति बन रही है, तो धार्मिक रहना ज़्यादा सही रहेगा, जिसके कारण पीसफुलनेस और हैप्पीनेस आपके लाइफ में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। चंद्र की ये आड़ी रेखा किसी चीज़ का एडिक्शन दे देती है, तो अगर एडिक्शन है तो छुटकारा पाइए, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, बच के रहिए, क्योंकि ये एडिक्शन नहीं तो डाइजेशन से रिलेटेड ट्रबल भी दे सकता है। वहीं जो आपका मून माउंट है वो डेवलप्ड अच्छा है, तो इसके कारण एक प्रकार से मन की जो है अत्यधिक करेंगे और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी भी है ये यहाँ का एक प्रकार से चंद्र देता है। और यहाँ देखेंगे तो कुछ हल्की हल्की सी ये जो आड़ी रेखा चल रही है सब रखे सब राहु रेखा है, और यह आड़ी रेखा जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हुए दिख रही है 41 अराउंड एज में भी। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो आपके फेट लाइन के द्वारा भी सूर्य पर और एक प्रकार से स्क्वायर का साइन बन रहा है, तो ये एज है अराउंड आपका 48, यानी 48 के बाद से इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को लेकर के ज़मीन जायदाद को लेकर के आप ज़्यादा करने वाले भी रहेंगे। और बेसिकली लेफ्ट पाम में ऐसा कोई मेन इंडिकेशंस तो होते नहीं हैं जो मेनली आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करे, बट फेट लाइन को देखना यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फेट लाइन एक तो लाइफ लाइन से निकली हुई है, और लाइफ लाइन से ही निकली है तब अराउंड एज आपका 43 है, तो 43 के लमसम में भी लाभ अच्छा मिला है। यहाँ पर सपोर्टिव लाइन निरंतर चल रही है, तो सहयोग बहुत अच्छा मिला है, बाहरी दुनिया, बाहरी लोग और समय समय पर दूसरों का। इसके अलावा यहाँ देखें तो फेट लाइन यहाँ पर निकली हुई है और मर्करी लाइन भी डेवलप्ड है। मर्करी लाइन डेवलप्ड होने के कारण स्वास्थ्य थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव में रहता है, लेकिन सही होने के चांसेस भी अच्छे रहते, कोई मेजर इशू नहीं होता है। मून लक लाइन है लेकिन सब हेड पर आकर के रुक रहा है, यानी कहीं ना कहीं अपने खुद के डिसीजंस के कारण फेट को थोड़ा कमज़ोर भी आपने किया है समय समय पे। आगे चल करके जो फेट लाइन है वो इम्प्रूव अच्छा हो रहा है, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, लक का साथ अब अच्छा मिलने वाला है। और एक प्रकार से यहाँ देखेंगे तो सूर्य पर यहाँ पर भी आपके क्रॉस है, जिसके कारण कोई काम करते तो क्रेडिट मिल पाना या प्रॉपर रिजल्ट मिल पाना मुश्किल होता है, बट आगे चल करके सन लाइन पे वी सिंबल है तो अब नाम ख्याति और सफलता मिलने के योग अच्छे हैं। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।